हाय एवरीवन, ये वीडियो पे अपने परपेंडिकुलर का इक्वेशन निकालेंगे। जैसे कि एक प्रॉब्लम इसका सॉल्व कर रखे हैं, जैसे ये आपको दिया गया है क्या इक्वेशन ऑफ लाइन, और ये पॉइंट से इस लाइन के लिए अपने को ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर, और उस परपेंडिकुलर का इक्वेशन निकालना है। तो क्वेश्चन देखिए कैसे आता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन दिस, ऑल्सो राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ रूट ऑफ द परपेंडिकुलर। फिर क्या निकालना है कि वो परपेंडिकुलर जो है वो लाइन को कौन सा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। यहाँ तक क्लियर है, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं? तो देखिए ये नंबर ना ऑलरेडी अपने कर चुके हैं, ठीक है ना, ऑलरेडी कर चुके हैं, दोबारा कर रहे हैं, बस खाली फर्क क्या होगा देख लीजिएगा। अब देखिए ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, ये हमने बनाया, उसका नाम एल रख दिया, यहां पर वो पॉइंट है पी, ठीक है, और हमें ये वाला पॉइंट निकालना है जिसका नाम अपने रखते हैं M, ठीक, और उसी को ही फूट ऑफ द परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो M हमने लास्ट क्वेश्चन में भी निकाला था, है ना, सेम प्रोसेस पूरा यहाँ करना है, हालांकि मैंने कर दिया है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि जो लाइन है उसका DRS लिखो, ठीक है, उसके बाद जो P, अच्छा यहाँ पर इमेज के लिए आपको बताया गया था अल्फा बीटा गामा ले लीजिएगा इमेज के लिए, ठीक है, अब क्या करेंगे PQ का DRS निकालेंगे, है ना, PQ का DRS निकालना आता है, बस माइनस करना होता है, ऐसा माइनस कर दिया ऐसा, ठीक है। अब उसके बाद L और PQ क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा बताओ, जीरो, आप लोग किए हो ना ये वाला, ठीक है, वेरी गुड। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो थोड़ा एक इक्वेशन आएगा कंटेनिंग अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। अब उसके बाद M जो है, ये जो M है वो ये PQ का क्या है, मिड पॉइंट है, है ना, तो M जो है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट निकालना आता है, कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस 2/2, बीटा प्लस 4/2, गामा माइनस 1/2, ऐसा करके निकाल दिया, है ना। अब अपने क्या करते हैं, जो लाइन लिए थे वो लाइन का कुछ नाम रखते हैं, जैसे लाइन L है और ये लाइन इज इक्वल टू कुछ लेते हैं R, ले लिया। यहां से अपने को सॉल्व करना होता है एक्स वाई एंड एक्स वाई जेड, सॉल्व करके निकालते हैं, ये वाला निकल गया। एक्स वाई जेड निकलने के बाद क्या करते हैं, देखिए जो मिड पॉइंट निकला है उसको अपने एक्स में वाई में एंड जेड में डाल दें, डाल दिए, डालने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आर के फॉर्म में मिलेगा, बीटा की वैल्यू आर के फॉर्म में मिलेगा, गामा की वैल्यू, अब अल्फा बीटा गामा को क्या करना होता है, इक्वेशन वन में पुट करना होता है, पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा, आर की वैल्यू निकल जाएगा। अब आर की वैल्यू का आपको कहां पुट करना है, एक्स में वाई में और जेड में, एक्स और वाई जेड में पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल गया, फूट ऑफ द परपेंडिकुलर, बात समझ में आ गया। तो ये एक्स वाई जेड का जो वैल्यू आएगा उसी को ही अपने फूट ऑफ द परपेंडिकुलर कहते हैं, मैं यहाँ कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, आप खुद कर लीजिएगा, क्लियर है। मान लीजिए कि 1, 2, 3 आया, ऐसा आएगा नहीं बोल रहा हूं, मानने के लिए बोल रहा हूं, मान लीजिए 1, 2, 3 आया, अब आपको निकालना क्या है, मैंने क्या बोला, ये मानने के लिए बोला कि ये 1, 2, 3 आया, अब आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ पीएम निकालना है, क्या निकालना है, यही तो क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा, करना क्या है, x माइनस ये वाला पॉइंट 2 बाय इन दोनों का डिफरेंस 1 - 2 कितना हुआ, फिर इक्वल टू देखिए y माइनस ये वाला पॉइंट, फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना, फिर क्या करना, इक्वल टू देना z प्लस 1, क्योंकि माइनस 1 था ना तो माइनस करें तो प्लस 1, बाय फिर इन दोनों का डिफरेंस जो कि 4 हो गया, और यही आपका आंसर है। आया समझ में, इजी था, कर लोगे ये वाला भी, वेरी गुड।